दोस्तों हम लोग आए थे ताजमहल और हमारा हो गया आज पोपट। तो दोस्तों एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई, आज हम लोग खड़े हैं ताजमहल के बैक साइड के अंदर। इसलिए आप अगर कहीं से भी आ रहे हो तो शुक्रवार को मत आना, शुक्रवार के दिन ये बंद रहता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शेप जर्नी। और आज एक और नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम लोग हैं आगरा के अंदर। आगरा के अंदर मैं रात को एक डॉर्मेट्री के अंदर रुका हुआ था और आज हम लोग देखने जाएंगे ताजमहल। ताजमहल मैंने जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा, अगर आपने भी नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं एक एक डिटेल के साथ में आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर मैं रुका हुआ था, ये है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री अगर आप सिंगल बंदे हो, कहीं पर ट्रेवलिंग करने जाते हो जो ज़्यादा फेमस जगह, तो आप booking.com से डॉर्मेट्री ढूंढ सकते हो। यहां पर अच्छी सुविधा मिल जाती है, साफ सुथरे गद्दे वगैरह मिल जाते हैं, धर्मशाला से अच्छे मिल जाते हैं अगर सिंगल बंदा है तो। और 200-300 के अंदर आपका काम हो जाता है, जो सीजन वाइज के अंदर डिपेंड करता है। तो अब हम चलते हैं आगरा का किला, मैं इसके पास में रुका हुआ था, और यहाँ का किला दिखाते हैं और फिर मजे करेंगे। ये देखो सुबह सुबह का कोहरा, और ये है ताजमहल की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ से आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, शौचालय मेरा बन। दोस्तों हम लोग आए थे ताजमहल और हमारा हो गया आज पोपट। पोपट इसलिए हो गया कि भाई आज है शुक्रवार, शुक्रवार को रहता है ताजमहल बंद और हमें आज एंट्री नहीं मिलेगी। अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के पीछे की साइड में। पीछे की साइड में एक गजब का लुक आता है जो कि यमुना नदी के किनारे से आएगा। और कुछ भाई लोग हमारे भी चल रहे हैं और ये ताजमहल के पीछे जाने का नज़ारा है। तो आज एक अच्छी बात हो रहा है, हर आदमी ताजमहल आगे से दिखाते हैं, बट हम लोग आपको दिखाएंगे पीछे से। ये पीछे से साइड से किसी ने दिखाया नहीं होगा और ना दिखाने के लिए खेद है। ये दोस्तों पीछे वाली गली है और इस साइड के अंदर आप देखोगे तो पूरा पूरा जंगल बना हुआ है। और इस साइड में है ये दशहरा घाट, यहाँ से अंदर आपको जाना है। और ये इस साइड के अंदर है ताजमहल का एक साइड। दोस्तों पीछे आते ही एंट्री लेते ही यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे घाट बने हुए हैं। ये है ताजमहल पीछे से। ये देखो ताजमहल इतने नजदीक से और ये पीछे की बैरिगेट। और ये है यहाँ पर घाट और यमुना नदी भी है और यहाँ पर है मंदिर। दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग खड़े यमुना नदी के किनारे और ये यहाँ पर मंदिर, हम लोग यहाँ से चल के हैं और ये इधर है ताजमहल। ये देखो अभी कोहरा है इसलिए अच्छा दिख नहीं रहा बट है बहुत शानदार। और ये है हमारी यमुना नदी जो कि आप देख सकते हो यहाँ से पीछे से। तो दोस्तों एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई, आज हम लोग खड़े हैं ताजमहल के बैक साइड के अंदर। ये सारी चीज़ें ना लोगों ने दिखाई नहीं, हम कोई चीज़ को नेगेटिव लेके नहीं चलते। आज हमारा दिन ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छा ही था एक तरह से। और आज हम लोग खड़े हैं पीछे, अगर ये स्टार्ट होता ताजमहल, आप बात करूं तो ताजमहल स्टार्ट होता तो हम लोग पीछे कभी नहीं आते, हम शायद अंदर से जाके देखते थे। हर आदमी अंदर से देखता है पर पीछे की साइड में बहुत ही कम लोग आते हैं। और हम लोग हैं आज ताजमहल के पीछे, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने पीछे के नज़ारे देखे। और ये हमारी एक नदी है यमुना नदी और इसके पीछे भी है सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, तो वो भी बहुत शानदार है। और ये देखो एक झलक पाने के लिए ताजमहल, सुपर व्यू, क्या बात है, शानदार लग रहा है, पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ। और ये दो गुमार दिख रहे हैं, बाकी अंदर दिख रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग हैं ताजमहल के पीछे की साइड में। और एक बात और पता चली, आप अगर कहीं से भी आ रहे हो
तो शुक्रवार को मत आना, शुक्रवार के दिन ये बंद रहता है। फ्राइडे के दिन मतलब सिर्फ यहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं उनको नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर छूट है, बाकी मतलब यहाँ पर अलाउड नहीं है, बाकी आप दिन आ सकते हो। और करीब मैंने यहाँ की जानकारी जुटाई है करीब 250-300 रुपये के आस में यहाँ की टिकट है, और एक 20 रुपये की गाड़ी जाती है जो कि गेट से अंदर आपको छोड़ देती है, और कुछ शूज के लिए अपन को टिशू पेपर भी देते हैं जो कि शूज के अंदर पहन के इस ताजमहल के अंदर जाना पड़ता है ताकि ताजमहल गंदा ना हो। ये सारी डिटेल तो दोस्तों मैं आपको आज ताजमहल दिखाने लाया था लेकिन नहीं दिखा पाया, इसलिए दिल से सॉरी। और अब क्या दिखाएंगे, थोड़े से आगे के नज़ारे आपको दिखा देते हैं, बाकी अभी चल रहे हैं, हम भी थोड़े से उदास हैं, तो आप उदास मत होना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, सेफ चलो, सेफ रहो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं जो आज नहीं दिखा पाया उसके लिए आई एम सॉरी। बाय बाय।